सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जेजेपी नेता और सांसद दुष्यंत चौटाला ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की और प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। सांसद दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि हरियाणा का विधानसभा सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है। जिस प्रकार से 20 से हरियाणा का विधानसभा सेशन शुरू है और जैसे कि संभावना है कि ये 5 मार्च तक चलेगा, इसमें जो जेजेपी के विधायक हैं अब तो उनकी संख्या भी बढ़ गई है, क्या भूमिका रहेगी इन विधायकों की और अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज करवाएंगे? देखिए, हमने पहले भी एक बात कही है कि जो हमारे समर्थित विधायक हैं वो 2 कॉलिंग अटेंशन मोशन, एक जो मेडिकल स्कैम प्रदेश के अंदर हुआ था उसके ऊपर और उसके साथ जो फसल का नुकसान प्रदेश भर में हुआ उसके ऊपर सरकार से जवाब मांगे कि सरकार ने क्या कदम उठाए, और दूसरी ओर पर बड़ा अहम सेशन है क्योंकि सरकार का आखिरी पूरा बजट होगा और हम उम्मीद रखते हैं जैसे केंद्र की सरकार ने लुभावने वादे तो कर दिए और 2 महीनों के लिए इतने बड़े सपने देश को भेजे, हरियाणा सरकार इस प्रकार से पाखंड ना करते हुए आम जन की सुविधा के लिए निर्णय ले, क्योंकि ये बजट सत्र है और जैसा कि चुनाव नजदीक है लोकसभा के और जैसे कि अटकलें लग रही हैं, संभावना ये भी है कि विधानसभा के चुनाव साथ करवा सकते हैं, नहीं भी होते साथ तो वो अक्टूबर में ड्यू है, तो कैसे बजट की आप उम्मीद करते हैं विशेषकर किसानों के लिए, युवा वर्ग के लिए और जो कहा जाए कर्मचारी वर्ग के लिए? देखिए, कर्मचारी आज ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें भी खा रहे हैं, और जो हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ अधिकतम जवान वो थे जो न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से कवर्ड है, आज उनके परिवारों को भी आने वाले समय में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, तो हमारी पहली प्राथमिक मांग तो ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम सरकार लागू करे। युवाओं के लिए जहां 9,000-6,000 की बात करती थी सक्षम के माध्यम से, आज हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, पढ़े लिखे लोगों को गोबर उठाना पड़ रहा है, कहीं सफाई करनी पड़ रही है, इस तरह की योजना को छोड़ते हुए उनको स्किलिंग के माध्यम से एम्प्लॉय सरकार करने का। लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं तो लोकसभा के लिए आपकी क्या तैयारी है, लोकसभा में कितनी सीटों पर आपके उम्मीदवार उतरेंगे, पूरी 10 की 10 या कम? हमने तो पहले भी कहा था कि जननायक जनता पार्टी तैयार है तमाम 90 विधानसभा और 10 लोकसभा पर चुनाव लड़ने के, मगर हमें अगर कोई लाइक माइंडेड सहयोगी मिलता है जो हरियाणा के हित के लिए त्याग कर हमारा साथ देने को तैयार है तो जरूर उस पर भी संगठन विचार करेगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव के आगे भी ये मामला रखा गया था और नेशनल एग्जीक्यूटिव ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि कोई अगर ऐसा अलायंस मिलता है जो प्रदेश हित के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे साथ आने को तैयार है तो जरूर उनसे विचार किया जाए। स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक्सपेंशन चल रहा है, आज भी 7 जिलों की बैठक है, डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव और जो कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा की उसके एग्जीक्यूटिव को हम जल्द से जल्द तैयार कर। आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, इनसे भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि आपका गठबंधन की बातचीत चल रही है। देखिए, अभी तक तो कोई भी ऐसी चर्चा नहीं, मगर आने वाले समय में नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 3 सदस्यों को अप्रूव किया है और वो 3 सदस्य इस तरह की अगर कोई चर्चा होगी उसको गंभीरता से आगे लेकर जाए। कौन कौन है 3 सदस्य? हमारे संगठन का बात है, हम चाहते नहीं कि इस चीज की कोई चर्चा। तो ये है सांसद दुष्यंत चौटाला जिनका कहना है कि विधानसभा सत्र के अंदर विधेयक लाए जा रहे हैं और उसके अलावा जो है जेजेपी के विधायकों की भूमिका वहां पर रहेगी, साथ ही साथ आगामी जो रणनीति लोकसभा चुनावों के लिए उनकी रहेगी उसका भी उन्होंने खुलासा किया। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज चंडीगढ़।